हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि नीट का डेट आने के बाद आप लोग जो है थोड़ा सा टेंशन में होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। लेकिन टेंशन लेने का नहीं है, मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे 60 दिन के अंदर अपनी नीट की तैयारी पूरी तरह से कैसे की जाए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे इस वीडियो को देखना है और मैं ये वीडियो का टोटल 10 सीरीज बनाऊंगा। आपको 10 दिन देखना है और लगातार देखना। अभी आपके पास टोटल 80 दिन है, 80 दिन के बाद आपके एग्जाम है और आपको टोटल 10 दिन देखना है इस वीडियो को। और जिस तरह से मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा, उस तरह से अगर आपने तैयारी की तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको मिनिमम 600 मार्क्स आने ही आने हैं। एक तो कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, आपको मेन फोकस करना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे आए जो आपको नहीं समझ में आते हैं, वो आप मुझे नीचे में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके पूरे आंसर आपके ईमेल पे दिया जाएगा। और अगर किसी तरह का कोई भी परेशानी हो तो वो परेशानी आप उसमें जरूर लिखें। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तैयारी करें तो हम लाएं 600 प्लस मार्क्स। आपको पता ही होगा कि टोटल एग्जाम में 180 क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन फिजिक्स से, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 90 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी से। तो आपको मेन फोकस करना है सबसे पहले बायोलॉजी पे। बायोलॉजी पे अगर हम इसमें जो है फोकस करते हैं तो फायदा ये रहेगा, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन हैं और अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 होते हैं, तो 360 नंबर का ये बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है। और मेडिकल वालों के लिए तो बायोलॉजी बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हमें फोकस करना है बायोलॉजी पे। और आपको मैं एक चीज आज बता दूं कि कम से कम आपको डेली 5 घंटे का कम से कम रूटीन बनाना है कि मुझे 5 घंटे की पढ़ाई करनी है, कम से कम 5 घंटे का रूटीन बनाना है। और 2 घंटे कम से कम आपको टेस्ट के लिए रखने हैं कि आपने जो पढ़ाई की उसकी टेस्ट उसके तुरंत बाद हो जाए। आपने जो भी चैप्टर, आज मान लो आपने बायोलॉजी का कोई चैप्टर पकड़ा, उस चैप्टर को उसी दिन कंप्लीट करना। और इस तरह से करने के बाद हम लोग जो है अपना पूरा का पूरा सिलेबस 60 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद आपको जो 20 दिन बचेगा उसके लिए भी मैं आपको एकदम लास्ट दिन बताऊंगा कि किस तरह रिवीजन करें ताकि वो 20वां दिन में मैं जो है आपको 600 नहीं 700 के करीब मार्क्स जाए आपके। तो आप लोग को मिनिमम 600 मार्क्स लाने हैं, तो आप हमारे सब वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको जो है सबसे ज्यादा फोकस करना है बायोलॉजी पे, उसके बाद केमिस्ट्री पे, उसके बाद फिजिक्स पे। तो ये तीनों चीज को मंत्र बनाना है कि बायोलॉजी पे हमें कम से कम पर डे 3 घंटा देना है, 1 घंटा फिजिक्स पे और 1 घंटा केमिस्ट्री पे देना है। अगर हम इस तरह से फोकस करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरा आज जो है फर्स्ट वीडियो है। मैं कल दूसरा वीडियो डालूंगा, उसमें आपको मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को कितने देर पढ़ाई करनी है और कौन कौन सा टॉपिक इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन देखिए, मैं 10 साल के लिए नहीं बोलूंगा, 10 साल आप रिवीजन के लिए रखिए, लेकिन आप कम से कम लास्ट 5 ईयर का A to Z जितने भी क्वेश्चन है उसको बनाइए और उसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है खुद से फोकस कीजिए। और उस पर अगर आप फोकस कीजिएगा तो आपके पास मिनिमम 600 नंबर आने ही आने हैं, इस बात के लिए आप तैयार रहें। तो हमें मेन फोकस करना है पढ़ाई पे। दूसरा फोकस करना है पढ़ाई, मान लो मैंने आज जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा, तो रिप्रोडक्शन से कितने सवाल आते हैं, तो मैं उस पर जो ये बनाऊंगा चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर करूंगा, उसके बाद हम उस पर ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से उसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको सॉल्व किया जाए, और सॉल्व करने के बाद कैसे उसके क्या बनते हैं नहीं बनते हैं आंसर, उस हिसाब से हम उसे फोकस करते हुए सारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट करके और वो चैप्टर को एकदम याद करना है। और उसे फिर हम जो है अगले दिन जो है MCQ क्वेश्चन आंसर में फिर उसे बनाएंगे, तो ये हमें याद रहेगा। और मेन अगर आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसका आंसर किस तरह से ये हुआ है या ये नहीं हुआ है, तो उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो हमारे पास जो है आपको बायोलॉजी के लिए तो आप कभी भी फोन कर सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं।
तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपको किसी भी चीज़ का नोट्स का ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे में पूछ ले कि मुझे इस चीज़ का नोट्स चाहिए, वो आपको ईमेल पे व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी। तो आप कैसे 60 दिन में अपने कोर्स को तैयारी करें उसकी जानकारी मैं आपको हमेशा देता रहूँगा। आप हमेशा ये दिमाग में रख ले कि आपको डेली 5 घंटे की पढ़ाई करनी है। कोरोना को हमें हराना है, कोरोना ने जो हमारे ऊपर मुसीबत दिया है, तो अभी भी हमारे पास 80 दिन है, 60 दिन में हमें कोर्स कंप्लीट करना है, 20 दिन में फिर उस कोर्स को रिवीजन करना है ताकि मिनिमम हमें 600 नंबर आए। और 600 नंबर आएंगे तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में होगा तो आपके फैमिली पूरी तरह से खुश होंगे। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने देश के लिए डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग एक अच्छे डॉक्टर बने, हमारी आप लोग की शुभकामना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे डॉक्टर बने और अपने जीवन में सफल हो। धन्यवाद।